नंबर देखिए दिया है आपका सी जीरो प्लस सी टू बाई थ्री प्लस सी फोर बाई फाइव प्लस डॉट 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 बराबर में क्या है टू का पावर एन बटा में एन प्लस वन, ये आपको साबित करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया श्रेणी, दिया गया श्रेणी आपका क्या है, यही ना है आपका सी जीरो प्लस सी टू बटा थ्री प्लस सी फोर बटा फाइव। तो इसका जो फॉर्मेट है उसको लिखना होगा ना, तो यहाँ लिखेंगे आरवा आरवा पद, यानी कि टी आर की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो किस तरह से लिखेंगे, तो इसका आरवा पद हो जाएगा आपका एन सी टू आर बटा में टू आर प्लस वन। देख लीजिए आर की जगह आप जीरो रखिए, ये आ जाएगा, ठीक है। वन रखिए तो टू वन जा टू और टू वन जा टू वन थ्री, ये हो जाएगा कि नहीं। तीन रखिए है ना, तो ऐसे रखते जा रहे हैं आप, ये आते जाएगा है ना, ठीक है। तो यहाँ आर की जगह एक बार जीरो, एक बार वन, एक बार टू, एक बार थ्री, ये सब रखते जाएंगे और ये पद आते जाएंगे, आते जाएंगे ना। चलिए, यानी कि इसका ये आरवा पद हो गया। तो इसको चेंज करना होगा ना इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो देखिए यहाँ देखिए, इससे सी के लोअर सफिक्स एक ज्यादा है ना, ज्यादा है कि नहीं, देख रहे ना। चलिए तो इसको किस तरह से चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन सी टू आर प्लस वन, एक बढ़ जाएगा ना और बट्टा में आ जाएगा एन प्लस वन, क्लियर है। चलिए अब हमें लिखना होगा श्रेणी जो दिया है। अब सी जीरो प्लस सी टू बट्टा थ्री प्लस सी फोर बट्टा फाइव प्लस डॉट 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 बराबर में सिग्मा सिग्मा, यहां देखिए सिग्मा कहां से, आर से जीरो किसे ना, आर बराबर जीरो टू एन प्लस वन एन प्लस वन सी टू आर प्लस वन बटा में एन प्लस वन। चलिए एन प्लस वन को इसको बाहर निकालते हैं, तो ये बाहर आके वन बाई एन प्लस वन हो जाना है, और सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो टू एन प्लस वन एन प्लस वन सी टू आर प्लस वन। चलिए यहाँ रखते हैं, तो वन बाई एन प्लस वन यहाँ रखते जाइए, आर की जगह जीरो से लेके एन प्लस वन तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका एन प्लस वन सी, देखिए जीरो रखिएगा तो यहाँ वन आ जाएगा ना। चलिए प्लस एन प्लस वन सी, वन रखिएगा तो दो दो एकम दो एक तीन, एन प्लस वन सी फाइव है ना। चलिए प्लस डॉट 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 है ना, इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, यहाँ देखिए वन बाई एन प्लस वन, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, याद है आपका किसका फॉर्मूला होता है, तो टू का पावर एन माइनस वन, तो टू का पावर एन प्लस वन, यही ना एन की जगह यही ना है, तो टू का पावर एन प्लस वन माइनस वन है ना, समझ गया ना बात को। देखिए वन से वन कट जाएगा, तो यानी आ जाएगा टू का पावर एन बटा में एन प्लस वन, यही ना आपको साबित करना था। चलिए आगे देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन।